श्री राधा माधव की, पतित पावन गौर निताय की, शील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानति विरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंद कर दीजिए इसको। तो आज हम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी इनके जीवन परिचय देखेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे तो श्रीरंगम क्षेत्र में जाने पर वहां वेंकट भट्ट नाम के एक ब्राह्मण से मिले। उन्होंने अपने पास उन्हें 4 महीने, जो चातुर्मास का 4 महीना है, उस समय रुकने के लिए आग्रह किया, निवेदन की उन्होंने। महाप्रभु उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने 4 महीना एक ही स्थान पर रुकने का निर्णय लिया। इस प्रकार बरसात के 4 महीने महाप्रभु ने वहाँ बिताए। उनके ही वेंकट भट्ट के एक पुत्र थे जिनका नाम था गोपाल भट्ट, जो 1503 ईस्वी में प्रकट हुए थे। तो उनकी आयु लगभग 10 वर्ष की थी उस समय। तो चैतन्य महाप्रभु जब रहते तो इनकी सेवा टहल में लग जाते, जैसे बच्चे उत्साही होते हैं, घर में कोई इस तरह से साधु महात्मा कोई मेहमान आते हैं तो उनके पीछे आ जाते हो। आज की अलग बात है, लेकिन उस समय तो यही माहौल था। अभी तो लोग समझाते हैं मत जाना उनके पास। उनके समझाना भी बिल्कुल समझ में आता है क्यों ऐसा करते हैं, कि साधु की कृपा से बच्चा हो सकता है कि भक्त बन जाए। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से सेवा टहल करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर उन्होंने अतिशय कृपा की। गोपाल भट्ट गोस्वामी भक्त बन गए, महाप्रभु के प्रति आकृष्ट हो गए। और इस प्रकार जब महाप्रभु 4 महीना बिताने के बाद जब जाने वाले थे दूसरी जगह, तो गोपाल भट्ट ने कहा मैं भी आपके साथ चलूँगा, ऐसे अटैचमेंट हो गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भावुक भक्त नहीं है। जैसे कोई सन्यासी को बोला ठीक है चलो एक चेला मिल गया मुझे साथ में जाने के लिए, महाप्रभु ने कहा नहीं अभी घर में रहो, अभी माता पिता की सेवा करो। जब क्योंकि माता पिता भक्त हैं रामानुज संप्रदाय में, और घर में रह के भी भक्ति करने में कोई बाधा तो है नहीं उनके लिए, फिर भी महाप्रभु ने, हालांकि बाद में ये आएंगे वृंदावन में, महाप्रभु ने स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट रहने लगे। बहुत कम समय में ही संस्कृत के विद्वान हो गए। भक्ति उन्मूलक जितने शास्त्र हैं सबका उन्होंने अध्ययन किया, अलंकार और कई प्रकार की कविताएँ लिखना उन्होंने सीख लिया।
इनके चाचा जी थे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर गोस्वामी। तो वेंकट भट्ट के भाई हैं प्रबोधानंद सरस्वती, तो वे एक सन्यासी हैं रामानुजा संप्रदाय में। तो उनसे ही उन्होंने प्रथम दीक्षा भी ली थी और शिक्षाएं भी उन्हें प्राप्त की थी। वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था। तो महाप्रभु तो चले गए, लेकिन इधर गोपाल भट्ट दिन रात महाप्रभु का चिंतन करते और यही सोचते रहते कि कब पुनः हमें श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त होगा। तो ये चिंता में दिन रात बिताने लगे। तो उनके पिता और माता ने ही कहा कि देखो, हम जब अप्रकट हो जाएंगे तो तुम चले जाना, यानी पहले ही उन्होंने ऐसी अनुमति दे दी। और महाप्रभु ने कहा भी था कि वृंदावन में आना। तो समय बीतता चला गया, फिर गोपाल भट्ट ने वृंदावन की ओर अपना प्रस्थान किए, पैदल चल के दक्षिण भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके वृंदावन आए। और वृंदावन में जाकर उन्होंने रूप सनातन गोस्वामी, जो कि वरिष्ठ वहाँ के वैष्णव हैं, उनके अनुगत्य में रहकर उन्होंने सेवा प्रारंभ की। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने इनको अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार किया और इनकी विद्वता को देखते हुए इनको अपनी मंडली में शामिल किया और शास्त्रों की रचना में इनको भी सहयोगी बनाया। साथ ही साथ रूप गोस्वामी ने एक संदेश चैतन्य महाप्रभु को भिजवा दिया कि यहाँ पर गोपाल भट्ट आ चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा के रूप में जगन्नाथपुरी से कुछ प्रसाद, एक कौपीन और एक उतरी, ये वस्त्र भिजवा दिया कि हाँ, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी बनने वाले हैं, ये विवाह नहीं करने वाले हैं। तो यद्यपि महाप्रभु के आंदोलन में अधिकतर गृहस्थ भक्त थे, लेकिन महाप्रभु ने जिनकी योग्यता को देखा उनको ब्रह्मचारी और सन्यासी बने रहने की भी प्रेरणा दी आजीवन। जैसे कि जो छह गोस्वामी हैं, ये सभी आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। महाप्रभु ने जो वस्त्र भिजवाए थे उसे गोपाल भट्ट ने स्वीकार करके बहुत आनंदित हुए और इस प्रकार वृंदावन में प्रतिदिन अलग अलग कुंड के पास अपना समय बिताने लगे। अधिक से अधिक समय वे शास्त्रों के अध्ययन में और ग्रंथों के लेखन में बिताते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी एक बार तीर्थाटन पर निकले हरिद्वार की ओर। सहारनपुर जिले में देवबंद ग्राम में गए। भक्त लोग जाते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो वहाँ उस गांव में अचानक तूफान आ गया। देवबंद ग्राम में इस स्थिति में उन्हें एक ब्राह्मण के घर गए। तो ब्राह्मण ने बहुत स्वागत किया, गोपाल भट्ट की बहुत सेवा की, वे बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन उनके घर में कोई संतान न थी। तो गोपाल भट्ट ने आशीर्वाद के रूप में कहा कि आपको अवश्य ही, मैं देख रहा हूँ कि आपको अवश्य एक संतान की प्राप्ति होगी जो भगवान का भक्त होगा। तो ये बात सुनकर वो प्रसन्न हुए। और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जाने लगे तो उस समय उस ब्राह्मण ने कहा कि यदि मेरा जो प्रथम पुत्र होगा उसे मैं राधा कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा और मैं आपके अनुगत्य में सुपुर्द कर दूंगा उस पुत्र को, और आप जिस प्रकार उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहें लगाएंगे। अब देखो, व्यक्ति को समानता कितनी आसक्ति होती है अपने पुत्र से, अपनी पुत्री से। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी की भक्ति को देखकर और इस ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि मेरा जो प्रथम पुत्र होगा वो मैं उसको आपकी सेवा में या भगवान की सेवा में मैं नियुक्त करूंगा। इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां से गंडकी नदी गए, जो नेपाल के बॉर्डर पे आता है, एक्चुअली नेपाल में ही है अभी वो अधिक भाग उसका। तो वहाँ गए, वहाँ से उन्होंने सालिग्राम शिला इकट्ठी की। 12 सालिग्राम शिलाएँ उन्होंने ली, सबको झोला में लेकर वो आ गए वृंदावन। प्रतिदिन उस सालिग्राम को पूजा करते थे, आरती करते थे, भोग लगाते थे, कई बार दंडवत लगाते थे। तो एक समय की बात है कि जमुना से स्नान करके आए और उन्होंने देखा कि उनके एक सालिग्राम, जो 12 सालिग्राम है उसमें से एक सालिग्राम स्वप्न में आया उन्हें। और इस प्रकार से
उन्हें भी इच्छा थी कि काश अच्छा होता कि मेरे पास भी भगवान का कोई विग्रह होता जिसको मैं मतलब श्रृंगार कर सकता था। शालिग्राम शिला आपने देखा होगा, श्रृंगार नहीं किया जाता, बस उसमें रख के ऐसे चंदन लगाते हैं और आरती करते हैं, तुलसी दल रखते हैं, गंगा जल से लोग पूजा करते हैं। तो उसी समय वृंदावन में एक बहुत बड़ा कपड़े का व्यापारी आया था, तो अन्य अन्य मंदिरों में भी सभी विग्रहों को वो कुछ वस्त्र भेंट करता था, कुछ आभूषण भेंट करता, और इधर इनके पास भी उस व्यापारी, उस कपड़े के व्यापारी ने बहुत सारे वस्त्र और आभूषण भेंट किए। पर ये मन ही मन सोच रहे थे कि मैं क्या करूँगा, ये तो पहना नहीं सकते हैं। उसी रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं प्रकट होने वाला हूँ। सुबह उठे, गजमुना में स्नान करने गए, स्नान करके लौटे, यहाँ पर भगवान को उठाया, उठाने के बाद भोग लगाया, और तभी अचानक अपना डलिया खोलते हैं जिसमें शालिग्राम शिला को रखते हैं, तो क्या देखते हैं, एक अद्भुत दृश्य देखते हैं। वो शालिग्राम शिला त्रिभंग श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो गए हैं, यानी कि एक असामान्य घटना थी। इसे दर्शन करके गोपाल भट्ट गोस्वामी आह्लादित हुए। अब ये खबर आग की तरह पूरे ब्रज में फैल गई कि एक पत्थर से ऐसे भगवान प्रकट हो गए हैं, जो रात में शालिग्राम शिला थी, सुबह होते होते शालिग्राम शिला से ऐसे भगवान मुरलीधारी के रूप में, बहुत सुंदर विग्रह के रूप में। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को इसकी सूचना मिली, तो वे भी आए, हर्षित होकर दौड़ते हुए आए। अन्य अन्य ब्रजवासी वैष्णव सब आए वहाँ पर देखते हुए, भगवान की सुंदरता को देखकर सभी लोग प्रेमाश्रु से प्लावित हो गए, सब जोर जोर से कीर्तन करने लगे। इस आश्चर्यजनक रूप को देखकर सब लोग दंडवत लगा रहे थे, सभी भक्त स्तुति कर रहे थे, इसलिए इस विग्रह का नाम दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन विग्रह। आज भी यह विग्रह वृंदावन में है, लोई बाजार से आप अंदर जाएंगे तो राधा रमन मंदिर, जो गोस्वामियों का छह प्रमुख मंदिर है उसमें से एक मंदिर है, बहुत ही सुंदर विग्रह है। इस तरह से सेवा चल रही थी, तो कुछ दिनों के उपरांत जब गोपाल भट्ट गोस्वामी दोपहर में, जमुना नदी तो पास में ही है, तो प्रतिदिन का उनका यही दैनिक कार्यक्रम था, लौटकर आए दोपहर के समय, क्या देखते हैं कि उनके कुटिया के पास एक बहुत ही सुंदर एक बालक बैठा हुआ है, युवावस्था में है। तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो भजन कुटिया के पास, तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तो गोपाल भट्ट ने पूछा तुमको किसने भेजा है और क्यों भेजा यहाँ पर, तो उस बालक ने कहा कि मुझे जो देवबंद ग्राम है सहारनपुर में, वहाँ से मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है। अतः उसको याद, अच्छा अच्छा इस 10 साल पहले मैं गया था वहाँ पर, तो उस व्यक्ति ने वचन दिया था कि मैं अपने पुत्र को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो शायद उन्होंने भेजा होगा। तो पूरी बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं वही हूँ। इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उस बालक को स्वीकार किया और उस बालक को भी भगवान की सेवा में लगा दिया, और इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ रहने लगे। और चैतन्य महाप्रभु के जो आंदोलन है उसमें सहयोग करने लगे। भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा रमन ने चैतन्य महाप्रभु का भी रूप दर्शन कराया है। कि एक बार की बात है, गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन की सेवा पूजा कर रहे थे और सेवा पूजा से निवृत्त होकर विश्राम करने गए रात्रि के समय, और उसी रात्रि में वही राधा रमन ने चैतन्य महाप्रभु का रूप भी प्रकट किया, यानी यह सिद्ध करने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो षट गोस्वामियों में जीव गोस्वामी, जिन्होंने षट संदर्भ की रचना की है, षट संदर्भ कहते हैं छह प्रकार के, परमात्मा संदर्भ, भक्ति संदर्भ, तत्व संदर्भ, ऐसे ग्रंथ हैं, छह ग्रंथ हैं। इन सारे ग्रंथों में इन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी सहयोग लिया है। एक्चुअली मूलतः ये जो षट संदर्भ है गोपाल भट्ट गोस्वामी की ही रचना है, उन्होंने ही ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि ये लिखना चाहिए,
फिर बाद में जीव गोस्वामी ने उसको समापन किया, उसका पूर्ण किया। वैसे ही कवि कृष्ण कर्णामृत एक ग्रंथ है, किसने लिखा है? बिल्वा मंगल ठाकुर ने कृष्ण कर्णामृत। इसके ऊपर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने एक टीका लिखी है, और साथ ही साथ षट क्रिया सार दीपिका एक ग्रंथ है जिसमें बताया गया जातक संस्कार कैसे करना चाहिए, और गर्भाधान संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, उपनयन संस्कार, इस प्रकार से विस्तृत उन्होंने सारी पद्धतियों का उल्लेख किया है इस ग्रंथ में। इसकी भी रचना गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किया है। तो ऐसे गोस्वामियों के बारे में बहुत ज़्यादा सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन जो भी सूचनाएं उपलब्ध हैं तो उससे ही पता चलता है कि ये सभी गोस्वामी एक दिशा में चलते थे। इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना, चैतन्य महाप्रभु की जो अभीष्ट इच्छा है उसको पूर्ण करना। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, अभी हमने देखा गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये लोग वृंदावन में रहकर चैतन्य महाप्रभु के जो इच्छाएं थी, लीला स्थलियों को प्रकट करना, भक्ति उन्मूलक शास्त्रों की रचना करना, इन्हीं कार्यों में व्यस्त रहते थे। इनकी समाधि राधा रमन मंदिर और गोकुला मंदिर, गोकुलानंद मंदिर, जो लोग वृंदावन गए हमको पता है, उसके बीच में इनकी समाधि है। तो लगभग ये 75 वर्ष तक इन्होंने इस धराधाम में लीला विलास किया। 1578 ईस्वी में आषाढ़ के महीने में, कृष्ण पक्ष चल रहा था उस समय, तो पंचमी के दिन वे नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। तो ये संक्षिप्त जीवनी है गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। चूँकि गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता वेंकट भट्ट पहले से ही भगवत भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके साथ चैतन्य महाप्रभु ने वार्तालाप की थी, और उस वार्तालाप में महाप्रभु ने यह प्रमाणित किया कि लक्ष्मी नारायण की पूजा अच्छी है, श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी बढ़कर माधुर्य भक्ति, राधा कृष्ण की उपासना, राधा कृष्ण की भक्ति अति रसपूर्ण है। तो इसकी चर्चा हम चैतन्य चरितामृत पाठ करते समय कर चुके हैं। तभी हम गोपाल भट्ट गोस्वामी की आशीर्वाद की कामना करते हैं, ताकि जैसी नैष्ठिक भक्ति उनके हृदय में थी उसी का कुछ अंश हमें भी प्राप्त हो, ताकि हम सब श्री कृष्ण और राधा कृष्ण की नित्य सेवा कर सकें। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे जय।